बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है कौवा और चिड़िया। एक जंगल में एक चिड़िया ने पेड़ की डाल पर एक घर बनाया था जिस घर में वह अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। खूब तेज बारिश होने लगी। चिड़िया और उसके बच्चे बारिश में खूब बहुत भीग रहे थे जिस वजह से चिड़िया कहीं बाहर नहीं जा पा रही थी। उस रात बहुत तेज हवाएं चली जिस वजह से चिड़िया का घर उड़कर कहीं दूर जा गिरा। चिड़िया और उसके बच्चे बुरी तरह से बारिश में भीग गए थे। बेचारी चिड़िया बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। फिर वह अपने बच्चों के साथ उड़कर पास ही में रहने वाले कौवे के घर जा पहुंची। उसने कौवे के घर का दरवाजा खटखटाया और उससे मदद मांगने की कोशिश करी। कौवा जी, क्या आप दरवाजा खोलेंगे? क्या हम आज रात आपके घर रुक सकते हैं? बारिश आने की वजह से मेरा घर उड़कर कहीं दूर जा गिरा है। मैं और मेरे बच्चे बारिश में भीग चुके हैं। क्या कुछ समय के लिए बारिश रुकने तक हम आपके घर में रुक सकते हैं? तभी कौवे ने जवाब दिया, तो मैं क्या करूं? मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं। अगर मैंने दरवाजा खोला तो ठंडी हवाओं के कारण मेरे बच्चे जाग जाएंगे। कौवे ने ऐसा जवाब दिया और दरवाजा भी नहीं खोला। बेचारी चिड़िया निराश होते हुए अपने बच्चों के साथ उड़कर कहीं और चली गई। कुछ दिन गुजरे और अचानक से एक दिन चिड़िया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। चिड़िया ने पूछा, कौन है? तो बाहर से कौवे ने बोला, चिड़िया मैं कौवा। बारिश के कारण मेरा घर टूट गया है। क्या आज रात मैं अपने बच्चों के साथ तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? तभी चिड़िया ने जवाब दिया, हाँ कौवा जी, आप मेरे घर रुक सकते हैं, अंदर आ जाइए। और ऐसा कह के चिड़िया ने दरवाजा खोल दिया। कौवा अपने बच्चों के साथ चिड़िया के घर में आ पहुंचा और अंदर आते ही उसे वह दृश्य याद आया जब चिड़िया उसके घर बारिश में भीगती हुई मदद मांगने के लिए आई थी और उसने चिड़िया की मदद नहीं की थी। वह चिड़िया से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है, चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, तुमने इस मेरी मुसीबत के समय में मेरी मदद की और मुझे अपने घर में रहने की अनुमति दी। मैं माफी चाहता हूँ कि जिस दिन तुम मुसीबत में थी उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। तो चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं कौवा जी, हम आगे से दोस्त बनकर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। उसी दिन के बाद से चिड़िया और कौवा दोनों अच्छे मित्र और सच्चे मित्र बनकर रहने लगे और दोनों ने प्रण लिया कि वह एक दूसरे की मुसीबत के समय में मदद करेंगे। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें एक दूसरे की मदद अवश्य करनी चाहिए। तो बच्चों आप सबको भी अपने जीवन में ये शिक्षा अपनानी होगी और हमेशा अपने दोस्तों की या किसी की भी मुसीबत के समय में मदद करने के लिए तैयार रहना होगा। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।